बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब आ गया एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बेहद ही अट्रैक्टिव और कम प्राइस की है। तो ये है होंडा का नया मॉडल EM1E। ये यूरोपीय बाजार के निर्माता का पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है और इसे May 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के नाम में EM का मतलब इलेक्ट्रिक मोपेड है। होंडा का कहना है कि मॉडल का मकसद यंग राइडर्स का अट्रैक्ट करना है जो आसान और मजेदार सिटी राइड के लिए परिवहन की तलाश में है। अब बात करते हैं लुक और डिजाइन की। तो स्कूटर के लुक और डिजाइन की बात करें तो यह काफी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। EM1E में स्मूथ स्टाइल के साथ एक कम्पैक्ट और फ्लैश फर्स है, लेकिन कम से कम होंडा ने स्कूटर को सबसे अलग बनाने के लिए कोई जोखिम नहीं लिया है। टर्न इंडिकेटर्स को हैंडल बार पर रखा गया है, जबकि LED हेडलैम्प यूनिट को फ्रंट एप्रन पर रखा गया है। रियर फुट पैक बॉडी वर्क के साथ बड़े करीने से इंटीग्रेट होते हैं और ग्रेव रेल फंक्शनल भी दिखता है। स्कूटर को शहर के चारों ओर छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं रेंज और बैटरी चार्जिंग की। तो इस स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर 40 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है। मोबाइल पावर पैक MPP या बैटरी पैक के वो विभिन्न तापमानों ह्यूमिडिटी लेवल इंस्पेक्ट का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि MPP एक स्वैपेबल बैटरी है जिसे घर में चार्ज करने के लिए स्कूटर से आसानी से हटाया जा सकता है। और इस स्कूटर का एक खासियत है कि आप इस स्कूटर को नॉर्मल चार्जर मतलब घर में जो हम चार्ज करते हैं उससे भी आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। EM1E इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा होंडा ने एक नई 500cc स्क्रैम्बल बाइक होंडा CL500 को भी पेश किया है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस और बुकिंग की। तो रिपोर्टर्स का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाजार में 23 तक लॉन्च किया जाएगा और ग्लोबल लॉन्च के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत के बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह एक लो रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के कारण प्राइस भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी, यानी 40 से 50,000 तक इसकी प्राइस का रेंज हो सकती है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नए रिव्यू के साथ, नया प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।